सारी माताएं बैठी हो यहाँ पे, अगर मेरी बात समझ रही हो तो, इतनी सारी आप सब बैठी हो, आप में से एक माता उठ के मुझे ये कह दे हाँ मेरे बच्चे को मारो और तब मैं खुश हो जाऊंगी। है कोई मैया ऐसी कि मेरे बच्चे को मारने से मैं राजी हो जाऊंगी? नहीं हो सकती ना। जब जगत की साधारण आप मैया अपने बालक को मारने पे खुश नहीं हो सकती, तो जगत जननी जो माँ दुर्गा जो काली है, वो भला अपने बच्चों को मार करके कैसे खुश हो सकती है? नहीं परिणाम मिल रहा, आज नहीं मिल रहा, एक दिन मिलेगा, जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा। और जब मिलेगा और जब हम चीखेंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे, तो उस समय सुनने वाला कोई नहीं होगा। भगवान ने किसी के लिए कमी नहीं छोड़ी, भगवान ने सबकी व्यवस्था बनाई है, मानवों की अपनी व्यवस्था बना दी है, पशु पक्षियों की अपनी व्यवस्था बना दी है, पशु पक्षियों का अपना साइकिल है भोजन का, शेर इसको खाएगा, वो इसको खाएगा, वो उसको खाएगा, ये भगवान ने सब उसकी पूरी व्यवस्था प्रकृति के द्वारा करा दी गई। अब उस प्रकृति की व्यवस्था में हमको बीच में नहीं पड़ना है। कई लोग कहते हैं अजी हम तो ये सब जो छोटे मोटे जीव जंतु आते हैं इनको इसलिए खाते हैं क्योंकि हम नहीं खाएंगे तो ये बढ़ जाएंगे। अजी बड़े तुम प्रकृति के आगे ठेकेदार, तुम ही तो चलाओगे दुनिया को। नहीं नहीं खाएंगे तुम्हारा, आप जानते नहीं इनकी कितनी संख्या बढ़ जाएगी, संख्या तो मानवों की भी बढ़ती जा रही है गे नहीं? आदमियों की जनसंख्या देखो दिन रात बढ़ती जा रही है, सारा पूरा विज्ञान चिंतित है कि ये कैसे रुके, स्थान वही, साधन वही और लोग बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या करोगे, कल को मानवों को भी खाने लगोगे कि भैया ये तो इंसान बढ़ रहे हैं, जनसंख्या नियंत्रण करनी है तो मानवों को खाओ, ऐसा होता कहीं? तो जब ये नियम है प्रकृति का, तो प्रकृति का ये भी नियम कि नहीं, पशु पक्षियों को खाना ये मानवों को शोभा नहीं देता है, ये उनके जीवन का अंग नहीं होना चाहिए। पशु पक्षी खाने के लिए पशु पक्षी ही बने, किसको क्या खाना हो भगवान ने निर्धारित किया हुआ। अब शाकाहारी बनो, ये प्रवचन में किसी शेर को जाके दूं तो सुनेगा मेरी बात? मैं प्रवचन देने जाऊं तो मुझे और न छोड़े। पर मानव मनुष्य, मनुष्य तो समझ सकते हैं ना, मनुष्यों के पास तो समझने की शक्ति है, बुद्धि है, समझदारी है, और वैसे भी मनुष्य अपने आगे किसी को मानता कहाँ है, उसे लगता हमसे बड़ा बुद्धिमान कौन है, तो फिर बुद्धिमान जैसे कार्य भी तो करो। बुद्धिमान जैसे कार्य कैसे कर, बुद्धिमान एक सच्चा जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा, एक सच्चा जो मानव होगा, शरीर से तो छोड़ दो, मन से भी कभी किसी दूसरे प्राणी को, जीव को मारने की मन में सोचेगा भी नहीं, सोचते ही शरीर काम जाएगा, ना 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 ना। इसका परिणाम बड़ा भयानक होने वाला है, बड़ा भयंकर होने वाला है। बख्शा नहीं जाएगा कोई भी जो जीव जंतु पशु पक्षियों को मार देता है, बख्शा नहीं जाएगा, एक दिन परिणाम भुगतना पड़ेगा। जिस प्रकार आज के समय में छोटे छोटे जीवों को, छोटे छोटे प्राणियों को कैसे निर्दयता से मार देते हैं, मुझे किसी ने बताया नहीं, पर रास्ते में इतने सारे मैं वो देखती हूँ कि बजा दो, ढंग से बजा दो, ऐसे मत बजाओ। अब वो वाले नाराज हो जाएंगे, आए बड़े यहाँ प्रवचन देने, पर भैया देखो आज तो आप कुछ भी करो, आज तो आप खूब सोच रहे हो कि आप धन कमा रहे हो, पर जिस दिन ऊपर प्रकृति की मार पड़ेगी ना, बड़े बड़े इस मार से नहीं बचे, बड़े बड़े इस मार से नहीं बचे। ये करने वाले सावधान हो जाएं, ये खाने वाले सावधान हो जाएं। अरे कोई कर भी रहा है तो मेरा संकल्प है मेरा जीवन शुद्ध रहेगा, मेरा शरीर शुद्ध रहेगा, आप बुरा नहीं मानिएगा, पर जो खाता है ना कोई जीव जंतु पशु पक्षी को, जो अपना
भोजन बनाता है वो चलता फिरता हुआ एक शमशान घाट है, चलता फिरता शमशान। शमशान में भी तो यही होता है, शमशान में पशुओं को जिंदा जो मर गए उनको दफनाया जाता है, जलाया जाता है। हमने यही किया, हमने भी उसको अपने शरीर में दफना लिया, पेट को उधर को शमशान बना लिया, चलता फिरता शमशान घूमता है। अब कितना भी नहा लो, कितना भी कुछ कर लो, गंगा जल छिड़क लो, रहोगे अपवित्र। इसलिए सावधान, नहीं देख रहा कोई, नहीं परिणाम मिल रहा, आज नहीं मिल रहा, एक दिन मिलेगा, जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा। और जब मिलेगा और जब हम चीखेंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे, तो उस समय सुनने वाला कोई नहीं होगा। संसार में कोई गलत काम करता है, जेल जाता है, जेल जाकर के फिर फांसी की सजा मिलती है, दंड मिलता है। जेल में क्या क्या होता है हम सुनते हैं कि ऐसा होता है ऐसा। यहाँ के जो जेल है ना, उनके जो जेलर जो रहते हैं या जल्लाद जिनको बोलते हैं फांसी पर चढ़ाते, उनमें तो फिर भी दिल होता है, थोड़ा बहुत बख्श देते हैं कि चलो भैया कोई नहीं, थोड़ा कर दो। पर वहाँ के जो यमराज के जो है ना यमदूत, उनमें दिल नहीं है, पत्थर है पत्थर। उनको बनाया ही इसलिए जाता है, ये जो जो ये करके आए ना दुनिया धरती पर, जो दूसरों को मार के, कष्ट दे के, चुरा के, चुरा घोप के, उन सब का जो परिणाम है वहाँ भुगतना पड़ता है। इस जन्म में होता है, कई बार होता है, हम देखते हैं कई आदमी गलत काम करते पर बड़ी मौज में, बढ़िया बंगला है, गाड़ी है, नौकर है, चाकर है, बढ़िया धंधा चल रहा है, खूब शराब का धंधा, देखो करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों लोग, उनको लगता हाँ बड़ा मजा है बड़ा। दूसरे देखने वाले भी कहेंगे अरे देखो आप कहते हो कि बुरा काम करने से बुरा, इसके तो कितने मजे। ये मजे नहीं है, ये मजा आगे जाके इतनी बड़ी सजा बन जाएगा ना, आप सोच नहीं सकते। अभी मजा दिख रहा है बाहर से, यहाँ भैया बड़ा मजा है, पर ये मजा नहीं है, इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, कोई नहीं बचा सकता इस परिणाम से। भगवान कहते कोई छोटा मोटा अपराध हो तो मैं माफ कर दूं, क्षमा कर दूं, पर इतना बड़ा अपराध जहां तुमको पता है कि एक जीव की गर्दन काटी जा रही है, वो तड़प रहा है, वो चीख रहा है, वो प्राणों की बचाव की गुहार कर रहा है, फिर भी तुम उसके दुख को अनदेखा कर देते हो। एक जीव को जब काटा जाता है, मारा जाता है, उसका एक एक रोम रोम चीख चीख करके पुकारता है कि कोई मुझे बचा ले, कोई एक, यहाँ इतने खड़े हैं, किसी एक के भीतर सद्बुद्धि आ जाए और वो कह दे कि नहीं काम मत करो, ये जीव को मत मारो। अरे इसके भीतर भी तो आत्मा है, हड्डी उसके भीतर है, साइज में कोई डिफरेंस नहीं है। शास्त्र कहता है एक बाल के नोक के 10,000 हिस्से किए जाए उसके एक हिस्से के बराबर आत्मा होती है। हमारे अंदर भी वही साइज है, चींटी के अंदर भी वही है, एक मुर्गा मुर्गी के अंदर भी वही है, हाथी के अंदर भी वही है, शेर के अंदर भी वही है, किसी में अंतर नहीं। पर अंतर है शरीर के, जो सबके अलग अलग प्रकृति ने बनाए, बाकी आत्मा तो उतनी बड़ी है। पशु को मारोगे वो भी हत्या ही है, चींटी को मारोगे वो भी हत्या ही है। इसलिए इससे बचिए, जरूर बचिए, न खुद इसका ग्रहण करिए, ना अपने जानने वाले, ना अपने बच्चे, ना अपने छोटे छोटे बालक, उनको जाकर के परोस देते हो, बेचारे छोटे बच्चे जानते भी नहीं क्या खा रहे हैं। ऐसा उनको कई बार मिलते हैं लोग, बोले हम क्या करें, चाहते नहीं खाए पर क्या करें, हमारे माता पिता ने बचपन से ही हमें सिखा दिया, जैसे आलू गाजर टमाटर आप खाते हो, हमें तो ऐसा ही लगता है कि माँ बाप ने यही बचपन से हमें खिलाया। कितना बड़ा पाप आप बच्चों को दे रहे हो, कौन चाहेगा कि हमारे बच्चे को आगे चल करके नरक वास मिले, पर आप तो खुद नरक का रास्ता तैयार कर रहे हो उसके लिए खिला खिला के। इसलिए चलो भक्त बनना छोड़ो, इंसान बनने के लिए भी तो हृदय में दया चाहिए। इसलिए इससे सबको बचना है, सबको मतलब जितने यहां कथा सुनने आए हो इनको तो बचना ही बचना है, बाहर वाले जाने, पर जो कथा से जुड़ा है उसको सोचना है। और देखो आप तो ऐसे क्षेत्र स्थान में रहते हो, भगवान ने कोई कमी छोड़ी है क्या प्रकृति ने हमको भोजन देने में? कितना बढ़िया बढ़िया व्यंजन,
फल सब्जियाँ सब उगती हैं, कितना स्वादिष्ट, सब वो खाओ, मीठा खाओ, मिष्ठान खाओ, रबड़ी जलेबी लड्डू खाओ। ये काय को किसी का मांस खून ये सब खा करके क्या हासिल कर लेंगे, हम क्या पालेंगे? कोई सोच सकता है? एक रक्त, रक्त की बूंद भी की, कहीं हमारे शरीर में चली जाए किसी दूसरे की भोजन के द्वारा, तो कितना बड़ा जघन्य अपराध कर रहे हैं। उसी पशु पक्षी के पेट में मल मूत्र सब भरा हुआ है, उसी को खा रहे हैं। ये कहाँ की मानवता है? ये पिशाची, ये दैत्यता को छोड़ना चाहिए, सबको छोड़ना चाहिए। सत्संग सुन के भी नहीं छोड़े। अच्छा चलो, एक तो ये हो गया जी, हमको तो पता ही नहीं था, तो नहीं पता में तो हम कुछ भी करें, हमारी मर्जी। उसमें तो भगवान भी चलो थोड़ा बहुत सोच सकते, भाई बेचारा अनजान है, पर जब पता चल गया उसके बाद करेगा तो फिर। मैं हमेशा कहती हूँ कथा में एक कहावत है कि संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। इतना तो याद कर लिया, पर फिर ये भूल गए कि ऊपर जाके खाओ डंडे। ऊपर वाला छोड़ेगा नहीं, किसी को नहीं छोड़ेगा, कदापि नहीं छोड़ेगा। अरे भैया, मानव जीवन मिला है, बड़े भाग्यमान उस तन पाव, कितने जन्मों तक रोते रोते बिलकते बिलकते आए कि भगवान एक बार मौका दे दो, प्रभु एक बार मानव बना दो। पशु बन के कैसे पाऊंगा आपको, कहाँ भजन करूंगा? मानव बनूंगा तो थोड़ा भजन करूंगा, सात्विक जीवन जीऊंगा। और यहाँ के क्या किया, इस जीवन को भी कीचड़ और नरक बना लिया। इसलिए देखो भैया, हम तो कह ही सकते हैं, मानो न मानो खुशी आपकी, कहना हमारा अधिकार है। और कहने का भी अपना एक पुण्य होता तो उसको क्यों छोड़े, हम तो निवेदन ही कर सकते। बाकी मानने न मानने वाले तो सुनने वाले होते। मैं हर कथा में निवेदन करती हूँ कि भैया, जीवों से प्यार करो, प्रेमियों प्राणियों से स्नेह करो, उनके प्रति मन में दया लाओ, भाव लाओ, उनको भी उनके भीतर बस एक काम करो, उनके भीतर अपने ठाकुर को देखना शुरू कर दो, अपने भगवान को देखना शुरू कर दो। छुरी छोड़ो, नजर नहीं उठा पाओगे उनकी तरफ की, इनको कैसे मार दे, इनके भीतर हमारा भगवान बैठा है, क्या भगवान के ऊपर हम हाथ उठाएंगे? अरे इतिहास गवाह है, जिन जिन्होंने प्राणियों पर, इसमें हम क्या करते हैं, हमें ये लगता है प्राणियों को कई बार हम अध्यात्म के नाम पर भी, एक तो हो गया आहार बनाते, एक दूसरा वो हो गया जिसमें हम कहते देवी को फलाने जीव की बलि दे दो, इससे देवी राजी हो जाएंगी। इतनी सारी माताएं बैठी हो यहाँ पे, अगर मेरी बात समझ रही हो तो, इतनी सारी आप सब बैठी हो, आप में से एक माता उठ के मुझे ये कह दे हाँ मेरे बच्चे को मारो और तब मैं खुश हो जाऊंगी। है कोई मैया ऐसी कि मेरे बच्चे को मारने से मैं राजी हो जाऊंगी? नहीं हो सकती ना। जब जगत की साधारण आप मैया अपने बालक को मारने पे खुश नहीं हो सकती, तो जगत जननी जो माँ दुर्गा जो काली है, वो भला अपने बच्चों को मार करके कैसे खुश हो सकती, बताइए जरा। कौन माँ चाहेगी कि हमारा बच्चा मारा जाए सामने और हम इसकी इच्छा पूरी कर दें? मुझे नहीं पता, पर ऐसा अभी भी भारत के कुछ कुछ क्षेत्रों में होता है कि अपनी मनोकामना पूरी, पुत्र प्राप्ति, ये फलानी प्राप्ति, इसके लिए ये करो। अरे दूसरे को कष्ट देके तुम कैसे सुख पालोगे? तुम्हारा बच्चा हो भी गया, बेटा हो भी गया किसी दूसरे के बच्चे को मार के, तो क्या वो बच्चा कभी आगे भविष्य में जाकर के तुम्हारा उद्धार करेगा? कभी नहीं कर सकता। आप कहोगे जी नहीं, बलि तो शास्त्रों में हमने बड़े, जैसे कोई बड़े बड़े शास्त्र पढ़ रखे, बातें भी तो लोग ऐसी करते। अगर बलि चढ़ानी है ना, तो अपने गुस्से की बलि चढ़ाओ, अपने अभिमान की बलि चढ़ाओ, वो तो चढ़ती नहीं है, तो बेचारे निर्दोष जीवों को मार मार के उन पर अत्याचार कर देते। अपनी कमियों की बलि चढ़ाओ, तब देखो देवी माँ कितनी प्रसन्न होती है। ये सब पाप है, इनको पुण्य का नाम मत दीजिए, सब पाप है। किसी जीव को
मारना पाप है, बस सीधी सी बात ये, किसी भी तरीके से मारो। देने वाला जीवन अगर भगवान है तो लेने वाला वही है। हम किसी का जीवन छीन नहीं सकते अगर हमें देने का अधिकार नहीं है तो। किसी को जीवन दे सकते हैं हम, फिर लेने का अधिकार किसने दिया? हम किसी के जीव के प्राणी का लेने का अधिकार भी नहीं है। इसलिए बस एक छोटा सा निवेदन है, और मुझे लगता है कथा सुन करके एक व्यक्ति ने भी अगर अपने आहार को शुद्ध कर लिया, आहार शुद्ध में बहुत सारी चीज आती है, ये तो बहुत बड़ी बात है मांसाहार खाना, तो छोटी छोटी चीज भी आहार शुद्धि के लिए महापुरुष कहते हैं, प्याज मत खाओ, लहसुन मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ। अरे उतना तक पहुंचना तो बड़ी दूर की बात, पहले इतना बड़ा पाप तो छोड़ दें हम। जरा से क्षणिक स्वाद की लोलुपता, जीव नचाती है, ये चाहिए, वो चाहिए, फलाना चाहिए, फलाना चाहिए, क्षणिक स्वाद के लिए कितना बड़ा अपराध छाती पे धर लेते हैं। तो जीव है, इसको जैसा स्वाद दे दोगे वैसे बन जाए। अब बहुत से लोग हमसे पूछते हैं, बिना प्याज की सब्जी कैसे खा लेते हो? क्यों, क्या उसमें कुछ और होता नहीं कि खा नहीं सकते? बोले हमको तो कुछ रुचि आती नहीं, मजा आता नहीं। जब भगवान का प्रसाद बना करके जब परोसा जाता है ना, हमारे ब्रज में कुछ भी नहीं, कई कई ऐसे आश्रम है वहाँ पर कोई साधारण दाल चावल की खिचड़ी बना करके भी जब प्रसाद रूप में बांटी जाती है ना, दोना पत्तल भी चाटने का मन करता, इतना स्वाद उसमें होता। क्यों? क्योंकि वो भगवान का प्रसाद है। अब उसमें कोई पाप नहीं, कोई अपराध नहीं, भगवान का भोग लगा है, तुलसी पत्र डला है, और वो भोजन बुद्धि को शुद्ध करता, मन को शुद्ध करता। हम जो खाते हैं विषयी जो भोजन, वो बुद्धि को खराब करता, भविष्य खराब करता, सब खराब करता। एक घर में सब लोग नियम ले लो, जितने भी यहाँ बैठे हो, बिना भगवान को भोग लगाए भोजन नहीं करोगे, ये हर घर का नियम होना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें ये मानोगे तभी कथा का लाभ है, नहीं तो सब बेकार है। घर में नियम लो, भोग भगवान को लगाओगे तब खाओगे। पहला भोजन का कौर जो जाना चाहिए भगवान के सामने, थाली सज के जाए। दूसरा कौर गौ माता को, कोई भी गाय हो, गाय को रोटी खिलाओ, चावल खिलाओ, जो घर में बना वो खिलाओ, फिर घर वाले खाओ। नहीं तो फिर अगर खुद ही खुद भोजन किए जा रहे हो तो ये एक प्रकार की चोरी है, क्योंकि भगवान का दिया है और उनको ही नहीं दे रहे, खुद ही खुद ले रहे, तो चोरी हो गई। तो खुद भी बचे, आसपास अपने लोगों जो जानने वाले उनको भी सुझाव दे कि भैया ये सब गलत काम मत करिए, ये बड़ा भारी अपराध है।